सजल, ईस्ट दिल्ली के एक वन ऑफ द फेमस मार्केट लक्ष्मी नगर विजय चौक में खड़ी हूँ अपने साथी राज त्रिपाठी के साथ। और आज हम यहाँ पे बहुत सारे शॉप वालों से बात करने वाले हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है उन्हें और क्या क्या यहाँ पे फेमस है। चलिए हमारे साथ। मार्केट में मुझे जैनसन की एक शॉप दिखी है, आइए बात करते हैं उनसे। आपकी शॉप यहाँ पे कब से है? अब सब बंद शॉप है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वगैरह भी होती है या अच्छे से चल रहा है सब? यहाँ तो बहुत बढ़िया मार्केट है और काफ़ी अच्छा है, डिसिप्लिन बेस्ड मार्केट्स में हमारे काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं किसी भी तरह गया इस बार। लोग आते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आते हैं, लोग अच्छी तरह शॉपिंग भी करते हैं, यहाँ मेंटेन भी कर रखा है, रेडी पटरी जैसे है और बाजारों के अंदर रेडी पटरी भी मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पे भीड़ भड़क का भी नहीं होता, ना जाम की कोई समस्या। अच्छा, एक बार यहाँ पे बहुत सारी दुकानों को तोड़ दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो जो करा उन्होंने बिल्कुल सही करा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है, कुछ बढ़िया किया जो किया, और अब भी एकदम कार्य जो भी कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, हमारे चाहे निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो या हमारे गौतम गंभीर जी सांसद हो, तो सारे बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे सब कुछ चल रहा है, डिसिप्लिन में सब मेंटेन है। हमारी शॉप का नाम है वो है इनफॉर्मल, और ये जो शॉप है 74 से है, बट पहले यहाँ पे कपड़े का काम होता था और रेडीमेड का काम मैं कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इनफॉर्मल क्या सोच के रखा है आपने नाम? सोच के कुछ नहीं रखा, बस ये था कि मतलब लोगों को हम थोड़े से कैजुअल ड्रेस बनाए, अच्छे कपड़े बनाए, थोड़ी सी डिफरेंट ड्रेसिंग दें और रीजनेबल रेट पे दें, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह लगती है क्या? क्योंकि लोग आते हैं और बहुत सारी शॉप्स हैं, और लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स को तोड़ भी दिया गया था। दिक्कत तो किसी चीज़ की नहीं है, अब देखो जो आपने कहा था 4-5 साल पहले यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी बाजार में, तो कुछ टाइम के लिए कस्टमर का फुटफॉल कम हो गया था, बट ठीक है, अब सब अच्छा है, नॉर्मल है, मार्केट ओके है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अब बाकी ये है कि जैसे अब हम जून जुलाई के अंदर काम थोड़ा स्लो होता है, तो बाकी उसके बाद अब राखी आएगी तो काम अच्छा होगा, और उससे पहले जो ईद गई थी उसमें भी काम अच्छा था, तो मार्केट ओवरऑल अच्छी चल रही है। और हमारी लक्ष्मी नगर मार्केट की एक खास बात और है कि यहाँ पे ना मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर लो क्लास मिडिल क्लास पीपल बहुत है, तो मीडियम रेंज की दुकान है और मीडियम रेंज का माल है, तो मुझे ये लगता है हमारे पूरे जमुना पार में पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट मार्केट है लक्ष्मी नगर मार्केट, जहाँ पे आप मतलब हर रेट की हर चीज़ ले सकते हो, चाहे वो लेडीज हो, बच्चा हो, जेंट्स हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो हमारी मार्केट के अंदर बहुत रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिलती है और सब रेटों का माल है, आपको अच्छा लेना है वो भी मिलेगा, मीडियम रेंज का लेना है वो भी मिलेगा, लो रेंज का लेना है वो भी मिलेगा, तो मतलब एक अच्छी मार्केट है सब कस्टमर के लिए, यहाँ पे मतलब हर कैटेगरी का कस्टमर आ सकता है और शॉपिंग कर सकता है, ये हमारी लक्ष्मी नगर मार्केट की खास बात है, और बहुत बड़ी मार्केट है, आप सिर्फ बोलिए आपको चाहिए क्या सब मिलेगा यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छी मार्केट है। अच्छे से डिस्क्राइब किया इस मार्केट को, और सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे आने के बाद आपको सब कुछ मिलता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ की जो अथॉरिटी है, एसोसिएशन है, उसके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं, और क्या कमियाँ हैं, क्योंकि बहुत लोगों से हमारी बात हुई है, तो आपका क्या कहना है? देखो ऐसा होता है, कमियाँ तो हर बाजार में होती हैं, और लोग क्या होता है कि कमियों में खो जाते हैं, अच्छाई नहीं देखते, तो ऐसा नहीं है कि
हमारे बाजार में कमियां नहीं है, कमियां हमारे बाजार में भी हैं और सब बाजारों में होंगी। दिल्ली से बाहर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी मार्केट्स होंगी कमियां सब में होंगी। पर मैं कमियों की बात नहीं करूंगा, आप पीछे 8-10 दुकानों पे गए होंगे तो सबने आपको कमियां ही बताई होगी, तो मतलब क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मैं कमियों की बात नहीं करूंगा, कमियां सब बाजारों में होती है, हमारे में भी हैं, आप में भी हैं, इनमें भी है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। मैं अच्छाइयों की बात करूंगा, हमारे मार्केट की जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों के अंदर, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, 5-7 लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं हमारे बाजार के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो अपना फायदा ना देखते हुए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं पूरे बाजार के लिए। और आने वाले कुछ सालों के अंदर लक्ष्मी नगर मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट होने वाली है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दिल्ली के अंदर नंबर वन मार्केट होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट पे सामान मिलता है, मतलब मैं अपनी दुकान की बात नहीं कर रहा, मेरा नाम है मेरा नाम वरुण गुप्ता है, मेरी दुकान का नाम इनफॉर्मल है, आप एक बार दिखाओ, SBI के बिल्कुल सामने मेरी शॉप है। तो यहाँ तो हमारा रीजनेबल है ही और हमारे बाजार के अंदर भी ना मतलब बहुत कम रेट में बहुत बढ़िया माल अवेलेबल है। तो जो ये वीडियो देख रहा है या जो इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहा है तो एक बार लक्ष्मी नगर जरूर आना। आप लेना मत लेना, आप लोग लक्ष्मी नगर आने से कतराते हैं, उनको ये लगता है यार यहाँ पे वैरायटी नहीं होगी, यहाँ पे मतलब हमें वो चीज़ मिल पाएगी जो हमें चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक बार आप विजिट जरूर करना और हमारा जो बाजार है बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया कोई कमी नहीं है बाजार के अंदर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे बाजार में सुधार हो रहा है, तो सब अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और बाजार को सुधार रहे हैं। और ये भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे बाजार के बारे में, हमारे बारे में दोस्तों? ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम सोहनलाल है, मैं इस शॉप पे कम से कम 10 साल हो गया जॉब करते हुए और मार्केट बहुत अच्छे है और मार्केट के आगे और पीछे हमने गार्ड लगा रखे हैं, कोई ठेली रिक्शा ना आए, भीड़ ना लगे, कोई मार्केट में रस ना हो ज़्यादा, तो आप कोई भी सवारी लेके आ सकते हैं, सवारी से आ सकते हैं, गाड़ी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप लगा के शॉपिंग कर सकते हैं बस जी। यहाँ पे फ्यूचर में ही बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, आई होप ऐसा ही हो, तो देखते रहिए हमें। तो अब हम आपको देखने आ गए हैं साड़ी महल, एक बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे आप कलेक्शन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है और लोगों से पता चला है कि यहाँ के एसोसिएशन के उप प्रधान हैं, तो हम गर्ग जी से बात करते हैं। नमस्कार जी, सर तो मुझे ये पता चला है कि आप यहाँ के उप प्रधान हैं और आप यहाँ की अथॉरिटी हैं, बहुत कुछ देखते हैं यहाँ पे, तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि यहाँ इस मार्केट का सबसे फेमस चीज़ क्या है और लोग आके कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? सबसे पुरानी मार्केट है जमुना पार्क की, सारी चीज़ें यहाँ रीजनेबल रेट में मिलती है, क्या कपड़ा हो, क्या जूते हों, क्या पर्स हो, कोई भी एवरी वन आइटम, शादी की कोई भी आइटम शॉपिंग के लिए सारे लोग द्वारका तक के लोग यहाँ आते हैं। सन सिटी, सिप्रा रिवेरा, वैशाली, वसुंधरा, गाजियाबाद, नोएडा, सारा कस्टमर हमारे पास यहाँ से आता है, बढ़िया कस्टमर आता है हमारे पास, हर वैरायटी मिलेगी, रीजनेबल रेट में मिलती है, इसलिए कस्टमर का फ्लो यहाँ है। और आपको कोई कमी लगती है यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन की तरफ? मार्केट में कमी ये है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की नहीं है, हमसे पार्किंग के 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए हर दुकानदार से जमा किए हैं, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की, जबकि पार्किंग विकास मार्ग पर वन साइड बन सकती है। कस्टमर आए तो आए कहाँ से, दुकानों को आए गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई दिक्कत डिस्टर्बेंस होती है, रेहड़ी वालों पे कोई पाबंदी नहीं है, पुलिस रेहड़ी हटाती नहीं है, तो पुलिस को इनकम है इस चीज़ से, दिक्कत ये है, दिक्कत कस्टमर को होती है, गाड़ी कहाँ खड़ी करें। पार्किंग को हमारी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, एक पार्किंग की व्यवस्था बाहर मेन रोड पर वन साइड कर दें। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी कम स्पेस है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है, खास तौर पे जो कस्टमर्स आते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बताकर ये जो मुद्दा है इसके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं? जो भाई साहब ने कहा बात सही है कि ये ईस्ट दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट है और यहाँ का जो प्राइस लेवल है इतना रिजनेबल, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक का कस्टमर यहाँ आता है, रेगुलर आता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है विजय चौक और सुभाष चौक में, ये वॉशरूम नहीं है,
कस्टमर को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं, लेडीज कोई भी यहाँ से वहाँ तक विजय चौक सुभाष चौक या आसपास में कस्टमर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम को, लेडीज को, ओल्ड को, बच्चों को, बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है। वो यहाँ से गाड़ी में, रिक्शे में, ऑटो में बैठ के मॉल में जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, जिसमें सरकार को देखना, MCD को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इतना टैक्स जाता है, क्या एक जनरल छोटी सी चीज़ है विजय चौक सुभाष चौक में वॉशरूम नहीं प्रोवाइड कर सकते, सुलभ शौचालय दुनिया यहाँ नहीं आ पाया, ये पता नहीं कौन सी मंडल करे। 80% महिलाएं शॉपिंग के लिए आती हैं, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। पुलिस बूथ बनाया है, पुलिस बूथ इनको 5-6 महीने बनाए हो गए, आज तक उसमें चिड़िया का बच्चा नहीं बैठा है। पिंक बूथ तो बना दिया इन्होंने, दिल्ली में 500 बूथ बनाए, कोई उसमें बैठाएगा तो लेडीज बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे? पुलिस बूथ किस लिए बनाएंगे? केवल सफेद हाथी लगा दिए सारे। महिलाओं के लिए टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ITO से चलो और सीधे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंच जाओ, बीच में कहीं भी महिलाओं महिला टॉयलेट नहीं है। गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि महिला टॉयलेट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जब पता है सबको कि 80% महिलाएं ही शॉपिंग के लिए निकलती हैं, तो महिला टॉयलेट क्यों नहीं? कहीं बूढ़े बड़ों बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं है कहीं भी। MCD ने कोई बेंच कहीं नहीं लगा रखी बैठने के लिए, क्यों? जी, इन्होंने एक बहुत ही वाइड तरीके से एक बहुत ही ऐसा मुद्दा उठाया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी के दिमाग में आ जाना चाहिए था, बट लोग इसे इस तरह इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दुकानदारों और यहाँ के ग्राहक से पूछने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं और एक चीज़ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, यहाँ पे बहुत सारी तार है, तो मैं ये रात से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ कवर करके लोगों को दिखाएं कि एक्चुअली यहाँ पे तार आ रही है। चलिए, तो अब यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों से भी बात कर रही हूँ।